यूपी का फैसला प्लीज मायावती के खिलाफ क्या आगे बना रहेगा साथ, जैसा अनुमान एग्जिट पोल ने जताया था चुनावी नतीजे भी कमावेश वैसे ही आए। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हो यह खास बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने परसों पुरानी अदावत बुलाकर हाथ मिलाया, वहां भी भाजपा को उतना नुकसान नहीं हुआ जितने की इन दोनों की उम्मीद लगाई थी। ऐसे मायावती अखिलेश यादव के गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे। यह नतीजे न सिर्फ उनके लिए हतोत्साहित करने वाले बल्कि राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 2017 में यूपी विधानसभा के दौरान अखिलेश यादव राहुल गांधी गठबंधन पर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन को बीजेपी से पूरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। उसे 403 सीट में सिर्फ 54 सीटें हासिल है, जबकि भाजपा उनके सहयोगी दल को 312 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव 2019 शुरू होने से पहले तक ऐसा लग रहा था कि राहुल और अखिलेश लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन करने वाले, लेकिन दोनों दलों के मुखिया ने ऐसा नहीं किया। जानकार मानती है कि कांग्रेस और सपा को लोकसभा चुनाव गठबंधन न होने के लिए दोनों दलों की पिछली हार रही, वही कई मौके पर दोनों दलों के राजनीतिक मतभेद भी चलते हैं। ऐसे में संभव नहीं था लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने अपनी पुरानी रंजिश से बुलाकर गठबंधन किया। इस गठबंधन को दोनों दलों के नेताओं ने ऐतिहासिक कदम बताया। माना जा रहा था कि माया और अखिलेश मिलकर भाजपा को बड़ी नुकसान करने वाले, लेकिन चुनाव नतीजे से गठबंधन को सफल नहीं बना पाते। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो हाल विधानसभा चुनाव के बाद राहुल अखिलेश के गठबंधन का हुआ, तो वही हाल इस बार लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद अखिलेश यादव मायावती के गठबंधन का हुआ। हालांकि कुछ विशेष इस बात से इनकार करते हुए कर दे रहे थे कि विधानसभा चुनाव में उनके दलों को नुकसान हुआ था, जबकि इस बार माया अखिलेश एनडीए हराने के मकसद से लड़ रहे थे। उम्मीद के मुताबिक वो बीजेपी को हरा तो नहीं पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नुकसान जरूर पहुंचाया है। ऐसे में सवाल लाजमी होगा कि क्या अखिलेश यादव और मायावती का महागठबंधन आगे भी चल पाएगा। वहीं दोनों नेताओं के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस का भी हाल बुरा ही रहा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकते हैं, जिस तरह 4 महीने पहले हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन होते होते रह गया। और खामियाजी इन दलों को रुकने पर बल्कि से पैदा हुए वैमनस का भी नतीजा रहा कि दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं हो पाया। इससे सबक लेकर यह दल आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है 2022 में यूपी में जो चुनाव होगा उसमें किसकी सरकार बनेगी? अपना कमेंट करके जरूर बताएं।